46 डेज से जो है FAA के जो एस्पिरेंट्स हैं एहतजाज कर रहे थे प्रेस कॉलोनी में, और इनकी एक मांग जो थी वो ये थी कि जो इनका सिलेक्शन लिस्ट है वो स्क्रैप ना किया जाए बल्कि फिल्टर आउट किया जाए और उन लोगों को इसमें से जो है बाहर किया जाए जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पे जो है धांधली की है या वो स्कैम में मुलव्वस है। हालांकि शुरुआत के दिनों में ही जो FAA के एस्पिरेंट्स हैं इन्होंने साफ तौर पर गवर्नमेंट से ये कहा था कि ये गवर्नमेंट के हर एक उस इनिशिएटिव का सपोर्ट करेंगे जिसमें जहां पे भी कोई स्कैमर है या कोई कल्प्रिट है इस सिलेक्शन लिस्ट में उसको अगर बाहर करना है तो जहां जहां पे भी इन FAA एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, वहां पे ये अपना साथ देंगे। और 46 डेज तक यानी कि परसों तक 46 डेज तक यानी कि परसों तक ये लगातार एहतजाज कर रहे थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि इनका जो लिस्ट है वो स्क्रैप ना किया जाए। लेकिन अगर कल की बात करें, कल शाम को DIPR के थ्रू गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के मुताबिक जो FAA का जो सिलेक्शन लिस्ट है साथ साथ जो JEE सिविल है उनका जो सिलेक्शन लिस्ट था वो दोनों जो है क्लोज कर दिए गए हैं यानी कि स्क्रैप कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो FAA एस्पिरेंट्स है अंदाज़ा था कि आज वो प्रेस कॉलोनी में नहीं आएंगे लेकिन आज भी ये प्रेस कॉलोनी में मौजूद है। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोसेस था, आपका जो स्ट्रगल था या प्रोटेस्ट था वो इस चीज़ को लेकर था कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए, स्क्रैप कल हुआ, तो आज प्रेस कॉलोनी में आने का क्या मकसद है? देखिए, प्रेस कॉलोनी में आने का ये मकसद है, जो कमिटी इंक्वायरी कमिटी बिठाई गई थी, एक तो वो अनऑफिशियल इंक्वायरी कमिटी है, ट्वीट के थ्रू ये बताया जाता है कि इस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। एटलीस्ट GAD की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आनी चाहिए। मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। और कल फिर से वही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ट्वीट करता है कि आपका लिस्ट जो है स्क्रैप हुआ है। चलिए ठीक बात है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। ये अनऑफिशियल काइंड ऑफ ये है चीज़ है, ये ऑफिशियल चीज़ नहीं है। वी विल गो टू द कोर्ट, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट है, हम ये चाहते हैं इन केस, देखिए हम यहाँ पिछले 1.5 महीने से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट के बावजूद हमने थोड़ी सी भी मेहनत की है, हमने JKAS का प्री निकाला है, बहुत से कैंडिडेट्स जम्मू के भी और श्रीनगर के भी जिन्होंने प्री निकाला है KAS का। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा हमें इसका, तो हम KAS के मेंस का की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए इन्होंने लिस्ट स्क्रैप किया, बट हम ये चाहते हैं वी आर कैपेबल एनफ, हम फिर से एग्जाम में बैठेंगे। मतलब स्कैम एट इट्स पीक, करप्शन एट इट्स पीक, स्टिल वी फाउंड आवर वे इन दिस सिलेक्शन लिस्ट, हम फिर भी करेंगे। अब अगर गवर्नमेंट हमें एश्योर करती है कि स्कैमर्स हमने थ्रू आउट किया, अभी नहीं किया है, हम चाहते हैं अब स्कैमर्स को थ्रू आउट कीजिए, हम इन स्कैमर्स के साथ एग्जाम में बैठने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जिस स्कैमर ने कल पैसे लगाए हैं वो आज भी पैसे लगा सकता है, और जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उस नन ऑफ द ऑफिशियल्स हैज़ बीन, जो अभी बिहाइंड द बार्स भी नहीं है, किसी को टर्मिनेट की नहीं किया है। आपने देखा होगा SSB का पूरा सिस्टम ओवरहाल किया जा रहा है, ये सिर्फ एक मियर आईवाश है। जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनको बिहाइंड द बार्स करो, क्योंकि जिस स्कैमर ने कल स्कैम किया वो आज भी स्कैम करता है, कर सकता है। और ये लिंक्स कल भी, जो बंदा आज रेवेन्यू में पोस्टेड है, कल जो SSB में था या कहीं और, वो वही लिंक्स इस्तेमाल करके फिर भी स्कैम करा सकता है। गवर्नमेंट ने कल एश्योर किया कि जितने भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के थ्रू हो या कहीं पे भी अगर कोई हायर ऑफिशियल है, जहां जहां पे भी उनको ये नज़र आता है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं पे स्कैम में जो है अपना पार्ट प्ले किया है, उसको जो है इससे बाहर किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये गवर्नमेंट की एश्योरेंस है, खासकर एस्पिरेंट्स को लेकर। साथ साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में अब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो प्रॉपरली एक कंप्यूटराइज्ड मशीनरी के थ्रू हो जाएंगे, ताकि उसमें कहीं पे स्कैम की कोई गुंजाइश ना से देखते हैं। देखिए,
ये जो एश्योरेंस दे रहे हैं मतलब इस पर कोई भरोसा नहीं है। जिस रोज़ हमारा पेपर हुआ था 6 मार्च को, उसी रोज़ JKSSB ट्वीट करती है, JKSSB नोटिफिकेशन निकालती है, ये जो एग्ज़ाम था ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ। पहले इनको ऑफिशियल्स जो भी इन्वॉल्वड हैं, जो भी कैंडिडेट्स इन्वॉल्वड हैं, पहले इनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए था, उन पर जो भी लीगल पेनल्टीज थी लगानी चाहिए थी, फिर जाके अगर ये स्क्रैप भी करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके साथ। अगर ये पहले वो कर लेते, सिटअप वाइज कर लेते, पहले उनको बैंड बारस करते, लेकिन हम क्या देख रहे हैं उनकी ट्रांसफ़र हो रही है, दिस इज़ द ट्रेजेडी। और हमारी डिमांड ये है कि जो भी स्कैमर्स हैं उनको बाहर कीजिए, हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले ये जो रिपोर्ट है वो हम पब्लिक डोमेन में इनको चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में लाए, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी किस तरह तबाह की गई, फिर हम जो भी आगे का मसला है हमारा फिर भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देख लेंगे हम क्या कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू। आप नाज़रीन, मेरे साथ जो है FAA के एक एस्पिरेंट थे जो लगातार 46 डे से जो है यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, और ख़ासकर ये FAA के जो एस्पिरेंट्स हैं इनकी रिप्रजेंटेशन करते थे, इसलिए हमने सोचा कि हम इनसे जो है इस मामले को लेकर मुकम्मल तौर पर बात करें और जाने की कोशिश करें कि जो कल स्टेटमेंट DIPR के थ्रू गवर्नमेंट का आया, जिसमें जो FAA के जो एस्पिरेंट्स हैं और साथ साथ जो JEE सिविल हैं उनका जो लिस्ट है वो स्क्रैप कर दिया गया है, तो इस हवाले से हमने सोचा कि इनसे बात की जाए ताकि इनसे ये कन्फर्म किया जाए कि ये जो आज इनका स्टैंड है ये किस चीज़ को लेकर है। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं उमीर उमर, श्रीनगर। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल 1 प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 7006444869।